will you suggest people to take a dip? Yes. Okay. If you're coming here all the way from Delhi or any part of India or world, you should take a dip. Yeah. For sure. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम घांगरिया, वेलकम बैक। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब, जो कि एक हाइट पे है अराउंड 4000 मीटर्स के, एंड अभी हम हैं 3000 मीटर्स पे। तो ये बहुत स्टीप है अब इसका जो भी एलिवेशन है, क्योंकि हम 3000 से अप्रॉक्स 4600 और 800 की मीटर्स के हाइट पे जा रहे हैं, जो कि हमें 6 किलोमीटर्स में कंप्लीट करना है। तो सोचो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में हम 6 to 700 meters कवर करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, बट बहुत सुंदर जगह है वो, और वहाँ पे एक डिप है, सरोवर है। वहाँ पे हमारा यही प्लान है कि हम डिप करें, बट नियत होनी चाहिए, होपफुली हम कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ठंडा होने वाला है, तो लेकिन बनता है एक बार। अगर आपको डिप लेना है, मैं गिर रहा हूँ यहाँ पे, मगर अगर आपको डिप लेना है तो अपने गर्म कपड़े प्लीज कैरी करना, वरना आपको ठंड लग सकती है। मतलब बैग थोड़ा हैवी होगा वैली ऑफ फ्लावर्स से कंपेरेटिवली, क्योंकि आपको गर्म कपड़े कैरी करने पड़ेंगे, वो सब कैरी करना बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, और अगर आपको लगता है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स से ज़्यादा इट इज़ मोर चैलेंजिंग द ट्रैक, इफ़ यू फील यू कैन नॉट ट्रैक लाइक इन अ हार्ड टेरेन, आपको म्यूल ले लेना चाहिए, जो कि म्यूल ले लो, या तो मतलब लोग ना वैसे कैरी भी करते हैं बास्केट में, दे चार्ज यू अराउंड 2500 रुपीज़ अगर आप और वो वर्थ है, क्योंकि वो बेचारे इतनी दूर तक आपको लेके जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम निकलने वाले थे, बट हमें एक बंदा मिल गया जो हमारे साथ आया था। हाँ, आया था दिल्ली से हमारे साथ। हाँ, बट हमारे साथ था नहीं। हमें लगा कि हम उसको सालों से जानते हैं, पर यहाँ के लग रहा है कि हम उसे जानते ही नहीं। देखो, मतलब बहुत दिखाते हैं, खुशी खुशी आ रहा है, एक मड़ा और स्टाइल मार के आ रहा है। ये रहा, ये बंदा है, इसको हम जानते ही नहीं है, ये बंदा है, इनका नाम है दीपक। कुछ कहेंगे सर आप? दीपक यहाँ के गाइड बन चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? लेट कैसे हो गए? हाँ, बताइए। आप लेट कैसे हो गए? हाँ, आप लोग लेट कैसे हो गए? हम तो स्ट्रेच कर रहे थे। सही है, बताइए। ओके, सो अभी हम निकल रहे हैं। जब आप घांगरे से आएंगे ऊपर, तो ये रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स के जाएगा। आपको अपना टिकट काटना पड़ेगा जो भी है। उसके बाद दिस वे ऑन द राइट साइड इज टूवर्ड्स हेमकुंड साहिब, वेर यू आर वेलकम्ड बाई दिस वाटरफॉल। तो शायद से हम लोग अभी 1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए होंगे घांगरिया से। जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स में कोई ढाबा या स्टॉल नहीं था खाने के लिए, बट अगर हेमकुंड के रास्ते में जाओगे तो हमें पहला स्टॉल मिला है, जो कि सामने है। यहाँ पे आपको अगर आपको कुछ ख़रीदना है, पानी वानी चाहिए, रेडबुल चाहिए, लेस, चिप्स, व्हाटएवर, बिस्किट विस्किट, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये फर्स्ट स्टॉल है, जैसे आप चढ़ते हैं, और यहाँ से अगर यहाँ से व्यू आपका ये मिलेगा, व्यू ये रहा, आज का व्यू है, ये फॉग है, पूरा देख नहीं रहा, बट देन हाँ। सो वी हैव फिनिश्ड almost 2.5 kilometers, and as you go up the altitude rises and you feel a little breathless because the terrain is really steep, but aapko view dekhna chahiye. Abhi view ki lag gayi hai thodi si, we could see everything, but there it's entirely covered with fog. Imagine that you could see the mountains, but pura cover ho gaya hai. Yeah, and we have another person here, Anushree joined. Hi. Us yeah. Yeah, so let's go, let's go. More to climb.
बेसिकली इट फील्स एज़ इफ यू ट्रैवलिंग इन द क्लाउड्स हियर। अरे मैडम कैसे चल रहे हो? ज़िगज़ैग। अच्छा हम ज़िगज़ैग क्यों चल रहे हैं? आई डोंट नो द रीज़न, मुझे गाइड ने बोला। सो पूरा फॉग है ऑन बोथ द साइड्स। लेट्स गो, लेट्स गो। हेलो, डेविड भाई बताएंगे हमें, हम पूछ रहे हैं ज़िगज़ैग क्यों चलते हैं? बताओ इस पर, बताओ ज़िगज़ैग क्यों चलते हैं? मतलब अपना एनर्जी बचता है उससे, अगर आप एकदम खड़े स्टीप चढ़ोगे उसमें डबल एनर्जी लगेगी आपको, ठीक है, समझ रहे हो? ज़िगज़ैग करके ऐसे नॉर्मली फ्लैट जैसा हो जाता है हल्का हल्का, तो पैर की ग्रिप है सीधी आ जाती है। अच्छा, इसी वजह से ज़िगज़ैग चलो। हाँ, लेकिन इतना हाँ बस एक बार दिखाओ ज़िगज़ैग चलो भाई। ये तो कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ये क्या है? ये तो ये नहीं वे, देख कैसे होए, दिखा दो एक बार। नॉर्मली हाँ, हाँ, कोहरा ही कोहरा आसमान में। अरे बाप रे, ये तो कोहरा ही कोहरा है। लैंड करा दो। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है अब? कैसा लग रहा है? बढ़िया। सही, अच्छा। तो हम यहाँ पे आ गए भैया, बताओ तो कितने किलोमीटर रहता है? और यहाँ से 2.5 किलोमीटर है भैया। 2.5 किलोमीटर और है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब जी। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, स्टॉल्स हैं, अगर आपको चेकआउट करना है, हॉल्ट लेना है, पूरा फॉग में कवर्ड है, चाय वाय पीनी है तो पी सकते हैं। हाँ, ये कौन क्या है? इसको अटल कोड़ी बोलते हैं, ऊपर अटल कोड़ी, दो अटल कोड़ी, एक नीचे एक ऊपर। अच्छा, ये ऊपर वाला अटल कोड़ी है। अच्छा, एक नीचे अटल कोड़ी आएगा, एक ये ऊपर वाला है। तो यहाँ पे शॉप्स है, आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, कर सकते हैं। दो तीन ढाबे यहाँ पे, चाय वाय पियो, मैगी खाओ, जो भी करना है। ओके, सो हम थोड़ा ऑलमोस्ट पास पहुँच गए हैं, थोड़ा सा किलोमीटर और है, आई थिंक 1.5 किलोमीटर्स मोर। बट देन द बेस्ट थिंग इज़ लाइक एज यू जैसे आप ऊपर आते हो, यू कैन सी स्नो योर, इट्स लाइक हार्ड स्नो सेटल, बट देखो एंटायर स्नो एंड द वाटर इज मेल्टिंग डाउन फ्रॉम देयर एंड गोइंग डाउन द हिल, क्रेजी। अच्छा, हमने नीचे से हटते थोड़ा शॉर्टकट मिला हमें, बहुत नीचे था। तो बेसिकली आई वॉन्ट एडवाइस इट फॉर पीपल, जस्ट एक नॉर्मल रास्ता लेना अपना, बट हम शॉर्टकट लेके आ रहे हैं। इट्स रिस्की बट स्टिल लाइक वे वॉकिंग स्लो, सो वी कैन बैलेंस कर सकते हैं। इट्स लाइक दिस स्टीप, सो बेसिकली वहाँ से पूरा रास्ता है ऊपर जाने का, घूम फिर के, जस्ट टू सेव टाइम वी केम फ्रॉम योर, स्टिल नो गोना गो अप योर। या ओके, सो ऑलमोस्ट अब आप पास पहुँचने वाले होंगे, जो ब्रिज मैंने क्रॉस किया है वो क्रॉस करते ही आपके पास दो रास्ते आएंगे, दो रास्ते जैसे मूवीज़ में आते हैं। तो एक ये है, सेम पॉइंट पे लेके जाएगा, बट डिफरेंस ये है कि इसमें स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं,
सो यू हैव टू, और स्टीप है एज इन लाइक यू हैव टू कीप ऑन क्लाइंबिंग. और ये वाला सेम जो जिस रास्ते पे आप आए हो चल के, फ्लैट है एंड हल्का स्लोप है. यहाँ से 1.5 किलोमीटर्स है, यहाँ से 800 है, बट यहाँ थोड़ा टफ होगा आपके लिए. आप स्ट्रेट हाइक कर रहे हो तो यू कैन चूज़ फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक ढाबा है, आपको अगर यू कैन स्टॉप हियर, आप यहाँ रुक सकते हो और सोच सकते हो कि भाई कौन सा रास्ता लेना है. ठीक है, हम कौन सा ले रहे हैं? हम सीढ़ियों से जाएंगे. ओके चलो हम सीढ़ियों से जाते हैं. चलो लेट्स गो. व्हाट? लेट्स टेक द रोड लेस ट्रैवल. ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. चढ़ना बहुत औखा है. वो रास्ता बढ़िया है, लेट्स टेक द सजेशन नो. सी देम इधर दी प्रॉब्लम आउ तनु बहुत ज्यादा साहब चले प्रॉब्लम बहुत 1100 आ पौड़ी चढ़ना बहुत ओका स्टेप चढ़ना. ओके हम लोग सोच रहे थे कि स्टेप्स में जाएंगे, स्टेप्स में, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टेप्स में आपको बता देता हूँ लगेगा वैसे पास में ही है, बट देन ये सीधा ऊपर तक जाएगा चोटी तक. तो बीच में आपने अगर स्टेप्स ले लिए तो आप वापस नहीं आ सकते, आपको क्लाइंब कर देना पड़ेगा. तो डिसाइड वाइजली हम लोग स्टेप्स में जा रहे थे, इवा को यहाँ से जाना है, बट बाकी लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं ऊपर से जो आए हैं वो बोल रहे हैं यहाँ से जाइए आप, क्योंकि आप आराम से जा सकते हैं सिंपल रास्ते जिस रास्ते से आप आए हैं. तो अभी हम देखते हैं क्या करें. चलो हम डिसाइड करते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा लेना चाहिए. हम स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, हम सीधा इसी में जा रहे हैं क्योंकि मेरी फट गई है. इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस रास्ते में एटलीस्ट जिस रास्ता हम चूज़ कर रहे हैं स्टेप्स को ना लेके, बीच में अगर शॉर्टकट्स आए हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस पैर ऊपर चलते रहेंगे, क्लाइंब करते रहो. ट्रैक डाउन के लिए नीचे आ सकते हो स्टेप्स के थ्रू. दो रास्ते हैं तो मर्जी आपकी है, आपको जो फिट हो रहा है आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग वही. So we have finally reached. So this is mule stand, घोड़े वाला stand. तो अगर घोड़ा लोगे तो you have to stop here. उसके आगे थोड़ा सा बहुत ही नन्ही सी चढ़ाई है और आपको खुद से जाना है. बाकी आपको अगर अंदर गुरुद्वारे में कुछ लेके जाना है, चढ़ावा देना है, whatever you want to take inside, you can buy from here. And yeah, let's go. Let's see how it is from inside. Let's go. Made it. That's the one. You enter from here. And in case अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी भारी है. When you enter from here. So yeah, we're gonna go inside. I don't know अगर cameras allowed अंदर. So but then this is the entry. Ah, long trek, but worth it. The height right now it is 4,800 meters approx. Yeah. See, everyone's traveled from all the way down, but it's worth it, yeah. Check it out. You can hear the music. Okay, so हम लोग निकले थे 8:30 बजे नीचे से. अब यहाँ पे पहुँचे हैं 12 बजे. So basically 3.5 घंटे में पहुँच गए हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग फास्ट भी वॉक कर रहे थे. बट देखो अब 4 घंटे में पहुँच जाना चाहिए आपको, वही 4 घंटे में पहुँच जाओगे शायद से अगर आप पेस मेंटेन करके चलोगे. ओके, सो आपको शूज छोड़ने आप यहाँ छोड़ सकते हैं, देन आप एंटर कर सकते हैं. जैसे ईवा कर रही है शूज, वही ठंडा है. और एक और इंसान आ गया बहुत देर बाद, ये देखिए. What's up? ये हमारे ब्लॉग में, हम उनके ब्लॉग में. भाई साहब अभी पहुँचे जस्ट. मैं भागता हुआ आ गया, भागता हुआ जाएगा ना वो भी है. तुम लोग कब पहुँचे? हम
ओके, तो यहाँ पे यहाँ का सरोवर बहुत क्रेजी है, बहुत बड़ा है और माउंटेन्स के बीच में है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. अभी थोड़ा वेदर क्लियर हुआ है तो पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अभी थोड़ा क्लियर हो गया तो आई कैन शो यू नाउ. तो आई जस्ट रिकॉर्डेड एंड शो यू, इट्स ब्यूटीफुल. Okay, he just took a dip in this water. She also took three dips back to back. How was it? It was crazy. My ears are shut. So do you suggest will you suggest people to take a dip? Yes. Okay. If you're coming here all the way from Delhi or any part of India or world, you should take a dip. Yeah. For sure. You should take it. Yeah. Nice. Your body feels the same. How do you feel about it? Feels light. Yeah, it feels very light. So these are the reviews after taking a dip. ये reviews हमारे. मैंने dip नहीं ली. मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए. But अब नहीं लग रही ठंड. अब नहीं लग रही ना? हैं? तो उतारो बीनी उतारो. बीनी उतारो. बाल गीले. मेरे बाल गीले यार. कान बंद हो. चल सही है, अच्छी बात है. एक और चीज़ यहाँ मिली है. मैं कह रहा हूँ अगर आप हेमकुंड साहिब आ रहे हैं और उसके एंट्रेंस गेट से आप लेफ्ट लेंगे तो थोड़ा सा हाइक है, छोटा सा हाइक है, मतलब लगा लो 10 मिनट का हाइक है. वहाँ से आपको ये फ्लावर्स मिल जाएंगे, चेक दिस आउट, विच उन ये बस उत्तराखंड में ग्रो होते हैं आई थिंक सो. ब्रह्म कमल फ्लावर्स एंड दिस पीक इज़ फुल ऑफ इट. अभी थोड़ा फॉग है वरना और दिखते. एवरी वन इज़ योर. थोड़ा मौसम साफ होता दिखता. सो इट्स लाइक